hello everyone today in accountancy of class 12 accounting ratio under profitability ratio i am going to discuss the next profitability ratio that is gross profit ratio before gross profit ratio i would like to discuss about the meaning of profitability ratio let's start the topic first meaning of profitability ratio profitability ratios measures द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉर्म दैट इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस प्रोफिटिबिलिटी रेशियो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस और उसके इफेक्टिवनेस को मेज़र uh, करता है जिसको कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस भी कहते हैं तो किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हमें चेक करना है जानना है मेज़र करना है तो वी सुड कैलकुलेट द प्रोफिटबलिटी रेशियो नाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस्टेबलिश द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ नेस्ट सेल ऑफ़ इंटरप्राइज ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन है उसका रिलेशनशिप ग्रॉस प्रॉफिट के साथ शो करता है रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर नेट सेल्स से और नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अगर हम फाइंड करेंगे तो रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ़ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन को हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ टू डिटर्मिन द एफिसंसी विद द विच प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशन एंड सेलिंग ऑपरेशन आर कैरिड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वह यह डिटरमिन करना कि जो प्रोडक्शन परचेज़ ऑपरेशन या सेलिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वे कितने एफिशिएंट वे में किए जा रहे हैं एफिशिएंटली किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि जितना हाइयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ये वर्क प्रोडक्शन के परचेज के और सेलिंग के हो रहे हैं हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ बेटर एज़ इट लिप्स हायर प्रॉफिट मार्जिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट हायर आता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस के लिए जो हायर प्रॉफिट मार्जिन छोड़ रहा है जिससे कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और रिजर्व को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं उसको मीट आउट कर सकते हैं अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए हम थ्री फार्मूले दिए गए हैं इसमें से जो भी आ, हमारे लिए एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा उसको अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे जिसमें इन्वेंट्री में हम स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे इसको एक्सक्लूड करना है तो हमें कॉस्ट ऑफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिज गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे तो भी हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी फिर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में रखेंगे और इसको फाइंड करेंगे हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेटर एज इट लिप्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाइयर आती है तो इसका मतलब है कि यह हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रिजर्व को क्रिएट करने के लिए हाई मार्जिन प्रॉफिट का दे रहा है अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रौं इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा गया सिक्स लैक ग्रॉस प्रॉफिट कहा गया ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन इसका बनाएंगे तो हमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कॉस्ट पे दिया गया जबकि क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो पहले कॉस्ट फाइंड करेंगे कि सिक्स लाख में कॉस्ट कितनी है तो इसलिए हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा तो सो लेट द कॉस्ट इज हंड्रेड एंड ग्रॉस प्रॉफिट इसका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हुआ तो सेल प्राइस हमारा हो गया हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हमें सिक्स लैख दिया गया तो देन कॉस्ट हमारा कितना होगा तो सिक्स लैख इंटू हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव करेंगे तो ये फोर लैख एटी थाउजेंड आया अब हमें कॉस्ट भी पता चल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसके बेस पर हम इन रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिक्स लैख माइन फोर लैख एटी थाउजेंड तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हुआ और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड वन लैख तो ट्वेंटी अपॉन सिक्स लैख इन टू हंड्रेड तो ये ट्वेंटी परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया तो इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे सी वन मोर क्वेश्चन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग एक्सपेंसेस एटी थाउजेंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फोर्टी थाउजेंड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो तो यहाँ हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे तो सी ईयर ग्रॉ प्रॉफिट रेशियो पहले कैलकुले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट को माइनस किया थ्री लाख फोर्टी माइनस वन ट्वेंटी तो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ऑपरेशन इन टू हंड्रेड ये टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लैख फोर्टी टू हंड्रेड कियावन वन काफ़ी हाई आ रहा है इसका मतलब बिजनेस के लिए हाइयर प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा जिससे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रिजर्व को क्रिएट करने में कोई दिक्कत बिजनेस को नहीं होगी सी वन मोर क्वेश्चन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2016-17 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे आपको दिया गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा परचेज आपको दिया गया कैश क्रेडिट दोनों को ऐड करेंगे और कैरियर्स इनवर्ड वर्ड यहाँ पर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है सैलरी यहाँ पे दिया गया डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया गया रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है तो यहाँ से माइनस करेंगे तो नेट परचेज आ जाएगा और वेजेस दिया गया डायरेक्ट एक्सपेंसिस का पार्ट है नाउ सी द दल्यूशन पहले यहाँ पे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड किया तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को ऐड कर दिया मन लैक हो गया नेट परचेज में से को फाइंड करने के लिए हम कैश परचेज़ प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न आउटवर्ड किया ये सेवेंटी थ्री थाउजेंड आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए परचेज़ लिया ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ पर डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको परचेज़ के साथ ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा यहाँ पे तो कैरियर्स इनवर्ड और वेजेस है इसको लिया नाइन्टी थाउजेंड आ गया अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑलरेडी पता हो चुका है नाइन्टी थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में वन लैक माइनस किया टेन थाउजेंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया फार्मूले में रखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड तो ये टेन थाउजेंड अपॉन वन लैख इन टू हंड्रेड तो ये टेन परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया तो दिस इज़ द वे ऑफ़ फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमने आपको तीन अलग अलग सिचुएशन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना बताया आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ में आया होगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग लाइक एंड शेयर